जो दूध बताते भाई पक्का ही है दूध। मोल भाव क्या कुछ करो भाई इसके 1,09,000 रुपए है। 1,09,000 रुपए 14 लीटर दूध अभी मौके पे तैयार। हाँ और हाँ जी तो देखें भाई जो दूध तैयारी का जो पशुधन है क्या कुछ मोल भाव भाई इसका। भाई इसके 1,05,000 रुपए है। 1,05,000 रुपए हाँ जी बिल्कुल। तो देखे भाई मोल भाव की अगर बात करें बिल्कुल जायज जो पंडित डेयरी फार्म ने भाई वो मोल भाई जोटी का रेट है 1,11,000 रुपए। 1,11,000 रुपए हाँ जी ऊपर से भी। और भाई अगर बात करें एडर क्वालिटी की 1,35,000 रुपए बिल्कुल और बिल्कुल ये लगा लो आज दूसरा दिन है इसको भी बहुत अच्छी है जो हाँ। पशुधन की भाई और अर्डर क्वालिटी भी गोले से खाली होते हाँ। बहुत अच्छी बनाई भाई खीस से खाली। हाँ जी राम राम भाई सभी पशुपालक साथियों को मैं आपका अपना प्यारा राहुल सिहाग। और भाई मेन बात आती है अपने हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो पशुपालन के अंदर भाई आज के टाइम धांधली भी बहुत ज्यादा चल रही है भाई और जो ये बोल दें कि भाई जो बिना दूध वाले पशु हैं भाई वो भी बिक रहे हैं आज के टाइम पे तो इतनी तेजी आज पशुओं के अंदर देखने के लिए मिली है। तो आज की वीडियो पंडित डेयरी फार्म करनाल की तरफ से थी जिन्होंने अपने हरियाणा के अंदर एक अच्छा जो नाम किया क्योंकि भाई कम उम्र में इतना बड़ा जो व्यापार है अपना वो फैलाना और उसको बरकरार रखना सबसे मेन बात आती है भाई। लगभग 40 से 50 जो पशुधन है भाई वो अवेलेबल भाई के पास हमेशा रहता है। बाकी पूरी जानकारी भाई से लेंगे। तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार राहुल भाई। और सबसे पहले तो भाई जो व्यूअर हमारी वीडियो देख रहे हैं सभी को हाथ जोड़ के पंडित डेयरी फार्म करनाल की ओर से नमस्कार। ठीक है 40 से 50 पशु अपने पास ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं इस फार्म पे। ठीक है भाई कोई किसान भाई कहीं से दूसरे राज्य से है हरियाणा से है यूपी से है पंजाब से तो आप किसी मर्जी टाइम हमारे फार्म पे आ सकते हो। अच्छे से अच्छा पशुधन आपको ओल्ड टाइम एक छत के नीचे सेल के लिए मिलेगा बिल्कुल। तो लगभग रेट की बात करें भाई रेट की बता दे एक बार किसने बीज भाई ताजी जनी जो भैंस है ताजी ब्याई भैंसे है वो 90,000 से लेके 1.5 लाख तक की अपने पास मिलती है हमेशा स्टॉक में रहती है। हाँ जी भाई। और उसके बाद अगर बात करें भाई दूध दूध भाई लगभग 11-12 लीटर से चालू होके और 17-18 लीटर तक की 17-18 लीटर तक की बिल्कुल। तो जैसे की अगर बात करा कुछ चुनिंदा जो पशु है भाई के या हाँ कुछ पशु दिखाने की वीडियो के माध्यम हाँ जरूर कोशिश करूंगा क्योंकि भाई सभी पशु दिखा भी नहीं सकता। हाँ तो जैसे कि भाई आप बात करा जो अपने पहले नंबर पे पशुधन है भाई क्या कुछ जानकारी के साथ है भाई आज इसको चौथा दिन है और खीस से खाली करी है भाई ये खीस से खाली करी है। हाँ जी भाई और बिल्कुल खीस से खाली है भाई और अभी मौके के ऊपर 11 से 12 लीटर खीस से खाली होती तैयार है इसमें 11 से 12 लीटर हाँ जी भाई खीस से खाली होते तैयार। हाँ जी तो थोड़ा है इधर लेकर के चले भाई लंबा और थोड़ा भी भाई आज ही आई है अपने फार्म पे थोड़ा बच्चे के लिए वो कर रही है। हाँ। तो क्या कुछ मोल भाव है भाई भाई देखो वैसे डिमांड वाले जो मर्जी 1,38,000 की हमको सेल करनी है 1,38,000 की सेल करनी है। और दूध की बात करी जाए वैसे तूफान गुआड़ नहीं 16 लीटर दूध खुला निकाल देगी बिल्कुल क्योंकि भाई बॉडी बहुत अच्छी है जो पशुधन की भाई और अर्डर क्वालिटी भी गोले से खाली होते बहुत अच्छी बनाई भाई खीस से खाली होते। हाँ जी भाई तो काफी अच्छी और नीचे की बिल्कुल साफ सुथरी है भाई अच्छी निकली भाई बिल्कुल बहुत साफ सुथरी है भाई बहुत साफ बिल्कुल। तो 1,38,000 रुपए आपने बताया इसके। हाँ जी भाई तो 16 लीटर दूध आराम से देगी। हाँ जी भाई तो नीचे क्या कुछ है भाई इसके अगर आप इसके भाई बच्चे का तो लेबर ही बताएंगे भाई। हाँ जी चलो भाई ज्यादा पशु हो जाए। हाँ जी तो इसके बाद ये देखें भाई बिल्कुल एक और जो भारी भरकम शरीर का जो पशुधन है इधर लेकर के चले भाई जी तो क्या कुछ जानकारी के साथ भाई ये थर्ड लैक्टेशन में इसने बच्चा दिया है और ये कल दोपहर को बच्चा दिया था लगभग इसके नीचे अभी 13-14 लीटर खीस निकल चुका है 13-14 लीटर खीस निकल चुका है। हाँ जी और वापस लेकर के आए भाई जी और दूध की भाई इसकी सेकंड लैक्टेशन में इन्हें 15-16 लीटर दूध दे रखा है भैंस ने बिल्कुल बिल्कुल जो शनाकत की अपनी जगह होती है वहाँ से पशुधन चल करके आता है और भाई पुट्ठा नहीं मिलता है जो पुट्ठा है ना भैंस का ये क्वालिटी पता है क्या बात है भाई कई बार ये बोलते हैं वीडियो वाले दम लगा रहे हैं हाँ। पर भाई जो चीज होगी हाँ वो दिखाई जाए क्योंकि ये पुट्ठा क्वालिटी और ये वेट नहीं मिलता हाँ तो बात आती है कि भाई क्या कुछ रेट है भाई भाई नीचे की बहुत सुपर फास्ट है और कीमत की बात करी जाए भाई इसके 1,35,000 रुपए है 1,35,000 रुपए हाँ। बिल्कुल गोले से खाली हुआ पशुधन है। हाँ जी भाई बिल्कुल भाई तो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ है भाई पशुधन ये दिखा सकता हूँ आपको ऊपर से भी। और भाई अगर बात करें एडर क्वालिटी की 1,35,000 बिल्कुल ये लगा लो आज दूसरा दिन है इसको कल सुबह तक खीस से भी खाली इतने वीडियो डलेगी इतने खीस से भी खाली हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी तो दूध कैपेसिटी भी इसकी पता लग जाएगी। हाँ भाई दूध कैपेसिटी पता लग जाएगी भाई भाई नीचे की बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत स्ट्रॉन्ग इसके थनी बता रहे हैं कि भाई जो पशुधन है भाई नीचे से भी और अगर ऊपर से बात करें भाई काफी जो हमारे भाई जबलपुर वाले भाई है उनकी जान है भैंस बिल्कुल ऐसी भैंस जाऊं भाई जबलपुर जबलपुर वालों की जान है भाई। तो देखें भाई 1,35,000 का जो पशुधन तो अगला पशुधन लेकर के आए भाई जी तो इसके बाद ये देखें भाई जो पंडित डेयरी फार्म का एक और जो पशुधन है भाई
क्या कुछ जानकारी के साथ भाई, ये जो जोटी है आज इसको 7 दिन हो गए बच्चा दिए हुए, और ये सुबह अपने फार्म पे 7:30 बजे आई थी भरी भराई, 7:30 बजे हाँ, इसका आके मिल्किंग अपने फार्म पे किया था, अपने फार्म पे की थी हाँ जी। ये देखो और भाई दूध अभी इसके नीचे 13 लीटर तैयार है मौके के ऊपर, 13 लीटर अभी मौके पे तैयार है। 7 दिन की ब्याई हुई होगी भाई, 7 दिन की ब्याई। भाइयों आजकल पशुओं की सबसे गंभीर समस्या है पशुओं का बार बार फिरना, तो आप ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने पशु को सुबह शाम न्यूट्री डाइट जरूर खिलाएं। न्यूट्री डाइट हरेक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। हाँ जी। देखिए भाई बिल्कुल, तो और भाई ये सेकंड टाइम की है जोटी, एक बार रोक करके रखे भाई जी इसको थोड़ा अगर हो सके तो। भाई ये एक ही छत के नीचे रही जोटी है, थोड़ा इसका रंग थोड़ा शेड वो लाल पड़ गया। हाँ जी बिल्कुल, तो क्या कुछ मोल भाव के साथ है भाई? भाई इसके 1,25,000 रुपये जोटी के, 1,25,000 रुपये जोटी के भाई। और थनों पे नशे वगैरह बहुत बड़ी है ड्रप के ऊपर, बिल्कुल दूध जो अभी 13 लीटर मौके पे, और अभी 13 लीटर में इसके नीचे 2.5 लीटर की गाड़ी है, अगले थनों की 2.5 लीटर की गाड़ी इस टाइम मौके पे बिल्कुल। हाँ जी। तो चलो भाई बढ़िया पशुधन था आपका भी। हाँ। और मोल भाव के साथ हर चीज चलती है। हाँ जी। और अब तो बहुत टाइम हो गया भाई हमने वीडियो शूट करे, 1,00,000 से नीचे का पशु और 1,25,000 के भाई आज भी खड़ी है, 1,00,000 से नीचे की 10-12 जोटी खड़ी है अपने पास, खड़ी है 1,00,000 से नीचे की। तो लगभग कितना दूध तैयार उनके नीचे भाई? 12-13 जो थर्ड फोर्थ की उनमें 13-14 वाली भी है। हाँ जी। तो जैसे अपने बात करा भाई जो अपना ये पशुधन है भाई, ये भी लगभग आज इसको 4th दिन हो गया, खीसे खाली हो चुकी है बिल्कुल, और माथे में सफेद निशान है भाई। ठीक है। और अभी मौके के ऊपर इसके नीचे 12-13 लीटर तैयार है, 12-13 लीटर अभी तैयार है। हाँ, खीसे खाली हुई है अभी बिल्कुल, पतली चमड़ी की बढ़िया भैंस है भाई। तो क्या कुछ मोल भाव के साथ है भाई? भाई इसके भी 1,25,000 रुपये है, 1,25,000 रुपये चमड़ी वगैरह भी बहुत अच्छी। और ये देख सकते हो भाई कोई टाइम नहीं लगा हुआ ऑर्डर में। हाँ, ये तो भाई आपके कैमरे हैं बिल्कुल, चेक कर सकते हैं कि भाई 5 बजे से लेकर के 5 बजे तक। हाँ जी। और अभी मिल्किंग में लगभग भाई 3 घंटे का टाइम। हाँ, 2-3 घंटे का टाइम पड़ा है भाई अभी। बिल्कुल। हाँ। तो भाई ये चीजें होती है भाई बिल्कुल जो साफ सुथरी बिल्कुल। और तो भाई अभी खीसे खाली हुई है अभी, इसको भैंस को बनने के लिए भी 5-7 दिन और लगने वाले हैं भाई। और भाई देखो आप भी खरीद करके लेके आते हैं, एक बार आने से पशु मतलब थोड़े दिन सेट होता है, लेकर के जाए भाई अगला लेकर के आए भाई। तो देखे भाई जो 1,25,000 का जो पशुधन है बहुत अच्छा बॉडी वेट के साथ भाई, ये देखो भाई। और इसके बाद ये देखिए भाई, ये भी सेकंड लैक्टेशन की जोटी है भाई, सेकंड लैक्टेशन की। हाँ, थोड़ा भाई जहाँ से आई है थोड़ा सामने वाले ने चराई कम कर रखी है भैंस की। हाँ जी। और बहुत लंबे टाइम दूध देने वाली भैंस है भाई ये, लंबे समय तक। हाँ, तो देखिए भाई पतली चामी की अच्छी जोटी है भाई, ये भी शाम को खीसे खाली हुई है, खीसे खाली हुई है। हाँ जी। और अभी 9-10 लीटर 11 लीटर इतना होगा इसके नीचे भाई तैयार, इतना दूध अभी तैयार होगा। हाँ जी। तो ये देखिए भाई मोल भाव की अगर बात करें बिल्कुल जायज जो पंडित डेयरी फार्म ने भाई वो मोल भाई जोटी का रेट है 1,11,000 रुपये 1,11,000 रुपये हाँ जी बिल्कुल। तो भाई इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई पशुपालक साथी यहाँ पे आए और भाई एक बार पशुधन जरूर खरीदें, ताकि भाई दूध जो है भाई वो आप साथ के साथ देख सकें और बिल्कुल मजा आएगा इसमें कि भाई बिना दूध रुके जो पशुधन की वीडियो शूट हो रही है उसमें। हाँ जी भाई। तो और भी पशुधन है भाई? भाई पशुधन तो बहुत है, आज वीडियो में 7-8 भैंसे दिखाएंगे। चलो कोई नहीं भाई जी। हाँ जी। जो भी 2-3 और हो सके भाई, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। ये देखो भाई ये दूसरे ब्याह की जोटी है, ये होगी 8-9 दिन की ब्याई, 8-9 दिन की ब्याई। हाँ, साइज मीडियम है जोटी का, और अभी 12-13 लीटर दूध तैयार है इसके नीचे, 12-13 लीटर दूध अभी मौके पे तैयार। ऑर्डर बहुत बड़ी ऑर्डर की भैंस अभी आई, अगर 2 घंटे और मिल्किंग का टाइम है भाई अगर खुल के आवे। हाँ। तो बहुत अच्छा जो जोश है वो बना करके चले भाई। हाँ जी। तो देखे भाई जो दूध तैयारी का जो पशुधन है क्या कुछ मोल भाव भाई इसका? भाई इसके 1,05,000 रुपये 1,05,000 रुपये हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा जो पशुधन है, साफ सुथरी चुवाई धार की बहुत बढ़िया भैया बिल्कुल, आप खुद पास करके। हाँ जी भाई, अपना खुद चुवाई करके ले गया। तो भाई कहीं भी न भटके, क्योंकि भाई पंडित डेयरी फार्म विश्वास दिलाता रहा है और आगे भी दिलवाओगा। हाँ जी। तो 1,05,000 हाँ जो मोल भाव भाई ने किया है भाई, और दूध कितना लंबा मतलब और भाई, बढ़ा देगी भाई लगभग ये लगा लो भाई अभी लगभग 14-15 लीटर तक खुला जाएगी, 14 लीटर खुला दूध निकालेगी जोटी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छे टाइट अडर की जो जोटी है वो। हाँ। और इसके बाद अपना जो अगला पशुधन है भाई ये दूसरे ब्याह की, अभी सुबह खाली हुई है खीसे खाली हुई है, खाली होती है भाई अभी 2 घंटे की टाइम भी अच्छी बनी हुई है जोटी। हाँ, एक बार खाली होने के बाद लेट बनाए भाई। हाँ जी। तो यहीं से घुमाए भाई एक बार और, तो क्या कुछ जानकारी है भाई इसकी? भाई ये दूध निकालेगी जोटी 14 लीटर 14 लीटर हाँ, खुला निकालेगी भाई इतना। और कीमत की बात करी जाए भाई इसके 1,12,000 रुपये है, 1,12,000 रुपये हाँ। तो भाई बहुत टाइम के बाद ये सुनने के लिए मिला है भाई, तो कि दूध रेट जो 1,00,000 के आसपास जो आपने रखा है आज,
अच्छी अच्छी चोटियों का जो अच्छी बॉडी वेट के साथ अच्छी क्वालिटी के साथ अंडर क्वालिटी के साथ हाँ। तो बहुत लंबे समय के बाद दिखाई दिया है। तो पंडित भाई और अगर पशुधन हो तो दिखा सकते हो, नहीं तो लिंग रोड दिखा दो। तो ये देखें भाई जो थर्ड लैक्टेशन फोर्थ लैक्टेशन में भाई ने कहा, तो ये देखें भाई थर्ड लैक्टेशन की भैंस है और अडर वगैरह बहुत साफ सुथरा, अभी 14 लीटर दूध तैयार है इसमें 14 लीटर हाँ। पर कहते हैं कि भाई अडर बिल्कुल अंदर अंदर का है। हाँ जी भाई। तो इस चीज में कितनी सच्चाई मिलेगी भाई, दूध 14 किलो मिलेगा इसमें। भाई देखो हम तो ये तो निकालने वाली चीज है भाई, अपना दो टाइम निकाल लो भाई, 14 लीटर दूध अपनी लेके जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जो दूध बताते भाई पक्का ही है दूध। मोल भाव क्या कुछ करो भाई? भाई इसके 1,09,000 रुपए है। 1,09,000 रुपए 14 लीटर दूध अभी मौके पे तैयार है। हाँ, और भाई जो रेट वीडियो में बोले फिक्स ही रेट है भाई। हाँ, देखो इसमें मान सम्मान 1,500 का हो सकता है, ज्यादा फर्क वाला रेट नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो भाई। हाँ जी। बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ तो एक पशुधन और लेकर के आए भाई जी। हाँ जी। जितना कोशिश है भाई अपना भी शरीर जवाब देगा तब तक, वैसे तो चाहे कितनी लंबी बना लो वीडियो को, पर एक्चुअलिटी में भाई इंसान क्या व्यक्तित्व का पता लग जाता है अपने जो पशुधन दिखाओ उसी के अंदर। तो ये देखें भाई जो भाई ये दूसरी ब्यात की चोटी है, थोड़ा हल्का से इसकी अडर में फर्क है भाई। हल्का हाँ फर्क है इसके अडर। हाँ जी। तो पोंछ कैसे करगी भाई ये? जैसे भाई ये अभी अभी आई है गाड़ी में चढ़ के जस्ट। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। इसका मतलब जहाँ से कच्चे खूंटे ली थी अपनी धार काट के ली थी थोड़ा। हाँ जी। तो धार मार के लेके आए। हाँ जी धार मार के ली थी भाई। बिल्कुल। तो कितना दूध बताया उन्होंने भाई? इसमें अभी लगभग खीस से ही खाली हुई है, अभी 10-11 लीटर तैयार है इसमें जो। 10-11 लीटर तैयार है। हाँ जी। तो क्या कुछ मोल भाव करो भाई? इसके 1,02,000 रुपए है। 1,02,000 रुपए। हाँ जी। तो ये देखें भाई जो 1,02,000 रुपए का जो पशुधन है भाई वो थोड़ा हल्का सा भाई न्योल में पर अडर में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जो चीजें दिखने की भाई वो तो बताने की जरूरत भी नहीं होती, बता दो तो उसमें व्यक्तित्व का पता लगता है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ ये पशुधन भी भाई, बाकी जो कमी है वो कमी है। धार पोस कैसी भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए भाई जो इसके बाद ये मीडियम साइज की चोटी है भाई। ये अभी हमारी ऑनलाइन ऑर्डर बुक हुआ है भाई, हैदराबाद के लिए जा रही है। ये हैदराबाद के लिए जा रही है। हाँ, ये 92,000 की सेल करी है भाई। 92,000 की सेल करी है। 92,000 कितना भाई इसके? भाई इसमें 13 लीटर दूध तैयार है चोटी में। 13 लीटर दूध तैयार। हाँ जी। तो बिल्कुल थोड़ी तेलिया भूरी ही भी है भाई, ये थोड़ा अंदर बन के लाल रंग हो गया इसका। हाँ, थोड़ा जैसे ना हाँ। जैसे तिल होते हैं ना शरीर पे। हाँ, तिल है भाई, भूरापन का हिसाब से वो। हाँ जी। तो बहुत अच्छा जो पशुधन है भाई भाई ने वो दिखाने का काम किया, और उम्मीद करता हूँ कि भाई सभी पशुपालक साथियों को भाई वीडियो ही पसंद आई होगी। हाँ, और भाई पंडित डेयरी फार्म बिल्कुल अच्छा काम करता रहा और आगे भी करेगा। तो पंडित भाई इसी के लिए वीडियो एंड करूं हूं, और कुछ कमी वैसी रही हो अपना भी रही हो ना, या ना, कोई बात नहीं भाई। बाकी व्यूअर्स है भाई कमेंट के माध्यम से जरूर बता दे जरूर। तो नमस्कार भाई सभी पशुपालक साथियों को।